हेलो एवरीवन आज एक नया प्रॉब्लम के साथ मैं आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने एक नया टिक के साथ आज मेरे पास एक बोर्ड है जो गीगाबाइट का मदर बोर्ड है इसका मॉडल नंबर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इसका मॉडल नंबर साफ दिख रहा है आप लोगों को जी ए एफ टू एट्टी एट एक्स एम स्लस डी थ्री एच पी इस बोर्ड का एक प्रॉब्लम हो रहा था पहले भी ये इस टाइप का एक बोर्ड आया था यही प्रॉब्लम वाला उस टाइप उस टाइम मैंने वो बोर्ड भी सॉल्व किया था लेकिन <coughs> वीडियो नहीं बना पाया तो सोचा आज भी आया तो एक वीडियो बना दूँ इधर अभी तो लोड शेडिंग है इन्वर्टर में चल रहा है कोई बात नहीं फिर भी मैंने सोचा एक बना दूँ क्योंकि कल कर डिलीवरी करना है कस्टमर को बोर्ड शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ ठीक है तो इस बोर्ड का प्रॉब्लम था जब भी आप एस एम पी एस का स्विच ऑन करोगे पावर स्विच तब बोर्ड में स्विचिंग करने से पहले ये बोर्ड ऑन हो रहा था और ये प्रॉब्लम अक्सर होता है आप देख सकते हो क्लियर दिख रहा है हाँ यहाँ पर दो बायस होता है एम बायस और वी बायस। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं जो काम करते हैं इस एम बायस को उखर के फेंक देते हैं और बी बायस को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं उससे प्रॉब्लम नाइन्टी परसेंट सॉल्व हो जाता है और उससे भी नहीं हुआ तो हम क्या करते फिर जाके कोई भी एक बायस चिप को प्रोग्राम करके फिर इंसर्ट करते फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मैंने किया ये सब मैंने पहले किया बी बस को मैंने एम बस पे शिफ्ट किया एम बस को फेंक दिया साइड पे रखा मैंने फेंक नहीं दिया तब भी जाके ये बोट सेम इशू आ रहा था तब जाके मैंने गीघा की वेबसाइट में गया वहाँ पर इस बोर्ड का जो बायस अवेलेबल है वो टू बायस अवेलेबल है एक एफ वन करके एक एफ टू करके तो मैंने दोनों बायस को डाउनलोड किया दोनों को दो दोबारा करके रीड किया पहले जब किया एफ वन को तब भी एफ एफ कोड आ रहा था और दूसरी बार जब किया एफ टू को तब भी एफ एफ कोड आ रहा था हालांकि इसमें भी एक ट्रिक है जो नया बायस करने से हर कोई बोर्ड ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसीलिए यहाँ पर जो डी का स्विच होता है बार बार ट्विजर लेके प्रेस करना पड़ता है करीब 20-25 बार उसके बाद जाके होता है वैसा भी मैंने किया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ वो पे कोड पर अटका हुआ है तब जाके मैंने बोर्ड को अच्छी तरह से देखा कहीं पे भी कोई डैमेज है किसी में कोई प्रॉब्लम है दिक्कत में कोई वायर काटा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नया बोर्ड है आप लोगों को दिख भी रहा है एकदम तो बिल्कुल नया है पहले कहीं सर्विस नहीं हुआ तो फिर मैंने मेरा एक फ्रेंड से ओरिजिनल एक बायस मंगवाया जो रीड किया हुआ है इसी बोट का ही जो एक अच्छा बोट था तो उसने मुझे दिया तो तब जाके मैंने जब बायस को प्रोग्राम करके एम बायस में ये चिप को इंसर्ट किया फिक्स किया इस चिप को तब जाके ये बोट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है एक्चुअली ये वीडियो हालांकि पता है जो इस लाइन में काम करते हैं लेकिन फिर भी जो नया लोग है वो जब देखेंगे पहले ये बायस में ट्राई मारेंगे और फिर जाके अगर नहीं हुआ तो फिर ब्रिज में या फिर कई कई जगह हीट मार देते हैं ये उन लोगों के लिए है जो पहले ठीक से बोट को देखे जांचे और बिना किसी वजह बोट को हीट ना दे इसलिए है और ये जो बायस फाइल अभी मैंने डाला है इसका जेनुइन बायस रीड किया हुआ बिन फाइल में वो मेरे पास है अगर किसी भाई को चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करना ये मिल जाएगा मैं दे दूँगा थोड़ा सा अभी मैं इसका डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ अभी जो प्रॉब्लम देखो अभी मैंने स्विचिंग किया बोर्ड ऑटो ऑन नहीं हुआ ठीक है तो अब जाके मैंने बोर्ड पे जब स्विचिंग करूँगा तब जाके ये बोर्ड चलेगा ठीक है अब देख सकते हो कोडिंग हो रहा है चलो डिस्प्ले भी आ गया है इसको पता है उसको तो पता ही है कि डिस्प्ले आ चुका है फिर भी मैं दिखा देता हूँ देख सकते हो आप डिस्प्ले आ चुका है ठीक है तो डिस्प्ले का इशू नहीं था इस बोर्ड में प्रॉब्लम यही था कि ऑटो ऑन हो रहा था ठीक है तो अभी मैं एक बार ऑफ कर रहा हूँ और अभी मैं और एक बार स्विचिंग कर रहा हूँ ठीक है पावर दे रहा हूँ बोर्ड में देखो मैंने पावर दिया बोर्ड ऑटो ऑन नहीं हुआ लेकिन पहले वो ऑटो ऑन हो रहा था देखो अब पावर दिया ये बोर्ड रेडी हो गया ये पूरा वीडियो में डाल सकता था आईसी वगैरह चेंज करना या बायस करना लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता और मैं जोड़ के वीडियो नहीं बनाता इसीलिए पूरा वीडियो दे नहीं पाया लेकिन जितना है उतना ही जेन्यून है ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही तो लव यू ऑल बंदे मातरम